नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में दसवीं परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई पकड़ में आ गए। जी हां, एक ही जगह पर दूसरा युवक परीक्षा में पेपर दे रहा था। बोर्ड की फ्लाइंग की शिकायत पर पुलिस ने काबू कर लिया। धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी युवक को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है। दसवीं कक्षा के छात्र प्रवीण ने अपनी जगह पर किसी दूसरे युवक विजेंद्र को पानीपत से बुला करके परीक्षा दिलवाई और बोर्ड के फ्लाइंग को जब शक हुआ तो पुलिस ने उन दोनों युवकों को काबू कर लिया। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। पुलिस ने दसवीं की परीक्षा के दौरान एक दूसरे जगह पर पेपर देते दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने दोनों छात्रों के खिलाफ में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आज उन्हें कोर्ट में पेश किया। दसवीं की परीक्षा के दौरान अपनी जगह पर पेपर दिलवाने वाले पेपर देने वाले दोनों छात्रों की गिरफ्तारी बोर्ड की फ्लाइंग की शिकायत पर की गई। मामले के अनुसार टोहाना निवासी प्रवीण कुमार ने अपनी जगह पर पेपर देने के लिए पानीपत से विजेंद्र नामक एक युवक को बुलाया। प्रवीण परीक्षा के दौरान परीक्षा सेंटर के बाहर मौजूद रहा, जिस समय विजेंद्र प्रवीण की जगह पर बैठ कर के पेपर दे रहा था। उसी समय बोर्ड की फ्लाइंग को शक हुआ और विजेंद्र की चेकिंग की गई। बोर्ड फ्लाइंग ने चेक किया तो परीक्षा फर्जी पाई गई, जिसके बाद में कोर्ट फ्लाइंग की शिकायत पर पुलिस ने दोनों युवकों को तुरंत काबू कर लिया। और इस मामले में जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी यादविंदर सिंह ने कहा है कि पुलिस द्वारा बोर्ड की फ्लाइंग की शिकायत पर दोनों युवकों को काबू किया गया है, जिसमें 420 का केस दर्ज किया गया। फिलहाल दोनों लड़कों को आज कोर्ट में पेश किया गया। आप देख रहे हैं पल पल के विशेष रिपोर्ट। हाँ जी, कल जो अपना गर्ल्स हाई स्कूल है उसमें एक जो उनके सुपरवाइजर है सुभाष जी, उनकी कंप्लेंट पे एक एफ आई आर लॉन्च हुई है 419 420, जिसमें ये है कि एक लड़का प्रवीण है जिसका पेपर था जो टोहाना से है, उसकी जगह पे उन्होंने एक लड़का बैठा पाया जो विजेंद्र है जो पानीपत से है, इसकी जगह उन्होंने कंप्लेंट दी है जिसपे एफ आई आर लॉन्च की गई है और दोनों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया। ये पेपर ये कल पेपर था जिसमें एक दूसरे की जगह बैठ के पेपर दे रहे थे, उसी पे ये एफआईआर लॉन्च हुई।